रिप्लाई नहीं दिया तो एटीट्यूड समझा क्या? बर्तन धो रही थी मैं। मेरे सिंगल भाइयों, वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड नहीं है तो उदास मत हो। गांधी जयंती पे कौन से गांधी जी रहते हैं? ओए कुत्ते सुन, अगर प्यार तुमसे करते हैं तो लड़ाई करने हम किसी और के पास थोड़ी जाएंगे। नॉनसेंस इंसान। आज फिर उसकी याद आ गई जब पान वाले ने कहा कितना चूना लगाऊं। सुनो, तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे ना? अरे हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो ठीक है, अगले महीने मेरी शादी है। क्यों, क्या ढोल के आई है अंदर? वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। जा जाके पूछा लगा। क्या अपनी गर्लफ्रेंड एक साइज ना दो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? हाँ भैया। कि एक बार हंस के देख लो, दिल ले जाओ करके पैक। वाह वाह। एक बार हंस के देख लो, दिल ले जाओ करके पैक, और ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। मुंह धो के दिखा देगी तो आ जाएगा हार्ट अटैक। खत्म। पहले मेरा दोस्त जब भी मिलता कहता कुछ खाया कर, कमजोर हो गया है। फिर मैंने उसके 50,000 रुपए खा लिए। अब सबको रोता फिर रहा है, पैसे खा लिया पैसे खा लिया। ए यार, पहले तो बोलो मत, फिर बोल दो तो फिर मतलब यार ऐसे थोड़ा होता। अरे दुनिया के सारे चूतिए एक तरफ और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी उसी तरफ। बेबी मेरी तारीफ कर दो ना। बेबी तुम्हारी आंखें ना बहुत प्यारी है, और आज तो तुम्हारे हेयर ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैंने ना तुमसे सुंदर तो कोई देखा ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, मजबूरी में बोला गया झूठ तो भगवान भी माफ कर देता है। दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गंदी तो इसकी शक्ल भी है। और बाइक भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये तो उससे पहले वाला जो बॉयफ्रेंड था ना, उसने दिलाई थी। अच्छा, कार वार नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो तो तुम दिलाओगे ना भाई। लॉकडाउन में एक चीज का पता तो लग गया, बीवियों को घर में काम बहुत होता है, बेचारी थक जाती हैं, इसलिए दो होनी चाहिए। अच्छा बेबी, मुझे ये बताओ तुम्हें वैलेंटाइन के लिए क्या गिफ्ट चाहिए? बस तुम मुझे एक रिंग दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात? अरे क्या होगा, क्यों तड़प रही है? मेरी किडनी फेल हो गई। ओ, सुन के बहुत बुरा लगा। जबकि वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। मुझे लाइक करते हो? नहीं तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आपका हॉट स्पॉट ऑन है। सर्दी के तांडों को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रजाई खींचना या पानी डालना आतंकवादी हमले के बराबर माना जाएगा। किसी की रजाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय ना पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले व्यक्ति को छूने वाला शख्स भी नहाया हुआ माना जाएगा।